नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हल्ला बोल का स्पेशल एपिसोड आप राजस्थान के जोधपुर से देख रहे हैं। लेकिन बात उस सियासी संग्राम की होगी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में छिड़ा हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ हो मध्य प्रदेश हो, कल आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का, क्योंकि दोनों ही जगहों पर, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की और मध्य प्रदेश में 17 तारीख को वोटिंग होनी है। लेकिन जंग यहां राजस्थान में भी छिड़ी हुई है। धर्म के आधार पर राजनीति करती है बीजेपी, आरोप अशोक गहलोत लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है वो इस वक्त छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की धरती पर गिरा हुआ है, क्योंकि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम तो नहीं लिया राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी पर उन्होंने तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने बीते दिन मध्य प्रदेश में कहा था कि मोबाइल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उठा के देखिए, उसमें मेड इन चाइना लिखा रहता है। मेड इन चाइना बदलकर मेड इन मध्य प्रदेश करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त हमला किया। मूर्खों का सरदार कौन है, ये तमाम सवाल उन्होंने पूछे और समझदारी पर प्रश्न खड़े किए। वहीं अगर आप राहुल गांधी को देखें तो व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाले पर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अशोक गहलोत कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, हम लोग करते हैं विकास की। धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम करके वोट लाने की कोशिश में बीजेपी है। आज हम इस सियासी माहौल की गर्मा गर्मी पर चर्चा करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, आमने सामने होंगे सुप्रिया श्रीनेत के साथ। लेकिन उससे पहले आइए सीधे दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट और उसके बाद करेंगे चर्चा की। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार। पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हर कोई समझ गया कि निशाने पर कौन था। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के बैतूल में थे। सोमवार को मध्य प्रदेश में ही राहुल गांधी ने कहा था कि मेड इन चाइना मोबाइल की जगह मेड इन मध्य प्रदेश करना है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर पीएम मोदी के हमले को लेकर कांग्रेस आग बबूला है। आज सीख लेते आप पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री से कि भाषा अटल जी से सीखते, इंदिरा जी से सीखते, शास्त्री जी से सीखते, भारत के प्रधानमंत्री के भाषण कैसे होने चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान आखिरी दौर में है। दोनों ओर से पूरी ताकत के साथ वार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज कांग्रेस को घेर रहे हैं, कांग्रेस की गारंटी को चुनौतियां दे रहे हैं। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कांग्रेस के दिग्गज भी पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बीजेपी के लोगों ने, उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों ने कांग्रेस पार्टी के विधायकों को पैसा देकर आपकी सरकार चोरी की थी। भूलिया मत इसको, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये चोरी की सरकार है। मध्य प्रदेश में अमित शाह ने भी कांग्रेस पर हमला किया। अरे राहुल बाबा को भी किसी ने भाषण लिख कर दे दिया है कि ओबीसी बोलने से, पिछड़ा वर्ग की बात करने से ज्यादा वोट मिलते हैं, तो राहुल बाबा बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग की विरोधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राम मंदिर को लेकर कांग्रेस को घेरा। आजकल राम बड़े प्यारे हो गए, कोई बोलता है मैं जनेऊधारी हूं, ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहनना है या इधर से पहनना, कि अभी नए नए भगवान राम के शरण में गए हैं इसलिए मालूम नहीं है
कि राम ने वनवास कितने साल का किया था। राम मंदिर तो बीजेपी नए, राम तो बीजेपी को प्रॉपर्टी नए। मोदी राम निर्वाचन पन्न, भारतवर्ष मानुष राम से भक्तिर पन्न, भक्तिर प्रकाश। राजस्थान में भी चुनाव प्रचार जोरों पर, सियासी बार पलटवार धारदार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर धर्म की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। हमारे इश्यू है विकास है, गुड गवर्नेंस है राजस्थान की, उसकी कार्ड तो करते नहीं है और वो अपना पुराना एजेंडा है धर्म के नाम पर, वो थोपना जाता है राजस्थान को, इसलिए ऐसे वो अल्पाज निकालते हैं कुछ और लोग भड़के। दिलचस्प ये कि असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस पर मजहब वाली सियासत का आरोप लगा रहे हैं। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो भी है मेरे ख्याल से बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं, मगर आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उसको इशू कर रहे भाई? राजस्थान में भी करिए ना, छत्तीसगढ़ में भी करिए, यहाँ पर इसलिए कर रहे क्योंकि यहाँ पर MIM पार्टी यहाँ के माइनॉरिटीज में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर माइनॉरिटीज के पास है, इसलिए आपको मजबूरन ये डिक्लेरेशन देना पड़ा और पूरा गलत है, वो पूरा गलत है। आरोप है, प्रत्यारोप है, वार है, पलटवार है, नए नए दांव है, क्योंकि चुनाव है आज तक प्योर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गई हैं। जरा विस्तार से समझाइए गौरव भाटिया जी, ये जो समझदारी पर प्रश्न किए जा रहे हैं, राहुल गांधी ये बोलना चाह रहे थे कि भारत के अंदर चीजें बने मेड इन मध्य प्रदेश, उन्होंने जरूर कहा, लेकिन सवाल ये है कि अब लोगों का जो असल मुद्दा है वो तो बिजली, सड़क, पानी है और ये गारंटी वाली जो बहार है उससे अब तय हो रहा है कि जनता को किधर जाना है। गौरव, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात जो है कही गई राहुल गांधी के लिए, एक अपरिपक्व नेता, पार्ट टाइम नेता, और आप मुझे बताइए, एक तरफ वो कहते हैं मेड इन चाइना वाला मोबाइल मेड इन मध्य प्रदेश लिखा जाएगा। अंजना जी, एक का देश का नाम है भारत और चीन नाम है दूसरे देश का, ये मध्य प्रदेश लिखा जाएगा, ये तो प्रदेश है। लेकिन ऐसी मूर्खता वाली बातें केवल राहुल गांधी ही कर सकते हैं और ये भी तथ्यात्मक रूप पे सही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा मोबाइल प्रोड्यूसर सेकेंड नंबर पे कोई है तो वो भारत देश है। एप्पल कंपनी कह रही है कि उसका रेवेन्यू $10 बिलियन हो गया है, तो इससे क्या प्रमाण मिला हमें मिला कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि देश और प्रदेश में फर्क क्या होता है। दूसरी बात, उनके पहले वक्तव्य उठाइए, 546 सीटें हैं लोकसभा में, तब वो 10 साल के सांसद रहे थे, उनको लोकसभा की सीटें नहीं पड़ी पता थी। उनसे पूछा गया गरीबी, कहते गरीबी एक मानसिकता है। उनसे पूछा गया आप तो वंशवाद की उपज हैं, सारे भारतीयों का अपमान उन्होंने कर डाला और कहा कि वंशवाद ही परंपरा है भारत में। अब आप मुझे बताइए, जब राहुल गांधी कहीं जाते हैं तो वो ऐसा रॉकेट है जो लॉन्च तो होते नहीं है लेकिन कांग्रेस का नुकसान जरूर कर देते हैं। और मैं गारंटी पे भी एक बात कहूंगा, आओ गजनी को उठाया जाए, कुछ पुराने वादों को याद दिलाया जाए। अब आप मुझे ये बताइए, कर्नाटका के विधानसभा चुनाव इन्होंने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और देखिए ये मैं उनका मैनिफेस्टो लेके आया हूं कांग्रेस का, और उसके बाद किया क्या इन्होंने, 200 यूनिट बिजली मुफ्त तो दी नहीं बल्कि करीब 3 रुपए बिजली का रेट बढ़ा दिया। राजस्थान चलते हैं, राजस्थान के मैनिफेस्टो में वो भी लेके आया हूं, मेरे हाथ में है। इन्होंने कहा था कि हम सबका कर्जा माफी करेंगे, और विधानसभा में जो जवाब आया, करीब 20,000 किसानों की जमीन जब्त कर दी और वारंट इशू कर दिया अशोक गहलोत की सरकार ने, ये विधानसभा के पटल पे कहा गया। अब हिमाचल प्रदेश चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में वादा किया था महंगाई बहुत है, पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे, और प्रियंका वाड्रा की मत सुनिएगा अंजना जी, वो तो बता रही थी GST जो है लगता है उसका हिसाब मांग रहे हैं, उनको GST और VAT का फर्क नहीं पता, लेकिन डीजल के जो VAT था उस पर 3-3 रुपए करके 6 रुपए बढ़ा दिया हिमाचल प्रदेश में। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये नहीं दर्शाता है
कि इनकी गारंटी वारंटी दोनों गारंटी पर सेकंड राउंड में बहस कर लेंगे, बल्कि जनता तो ये कह रही है कि कांग्रेस पार्टी एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है। और इसीलिए मैं एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमने क्या किया मध्य प्रदेश में बताता हूं। जनधन योजना के अकाउंट 3,70,00,000 महिलाओं के खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना 82,00,000 गैस सिलेंडर दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 44,00,000 घर बनाए मध्य प्रदेश में, जल जीवन मिशन 64,00,000 हमने जो है जल के कनेक्शन दिए, आयुष्मान योजना। ठीक है गौरव जी, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए आप दोनों अलग अलग जगह पर हैं। मैं भी आज जोधपुर में मौजूद हूँ, थोड़ा मेरे लिए कंट्रोल, आप लोगों को मेरी बात सुननी होगी। सुप्रिया श्रीने जी, मैं लौट रही हूँ, प्लीज गौरव जी। सुप्रिया जी, आपके पास आते हुए देखिए, जब जब चुनाव आते हैं और चुनावी भाषण बहुत देते हैं तमाम नेता, तो फिर मीन मेक निकाला ही जाता है। और इसमें आप लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई लाइनों को पकड़ते हैं, उन्होंने भी लपक लिया है। अब मेड इन चाइना की जगह तो मेड इन इंडिया लिखा जाएगा ना, इसी बहाने उनकी परिपक्वता पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और चूंकि गारंटी पर उन्होंने भी इतना कहा है, तो उसी में दूसरा हिस्सा भी जोड़ देती हूँ। गारंटी को एक वक्त पर देना, जो कि दरअसल रेवड़ी कह लीजिए, मुफ्त मुफ्त की योजना कह लीजिए, बीजेपी वाला लाभार्थी कह लीजिए, अब सब वही कर रहे हैं। सब ये तय कर रहे हैं कि कितना यूनिट फ्री बिजली दे सकते हैं, कितना हम पैसा मुफ्त दे सकते हैं महिलाओं को, या अनाज कितने दिन मुफ्त दे सकते हैं जैसा सरकार दे रही है। गारंटी से ही अब जीत मिलेगी क्या, दोनों प्रश्नों पर आपका जवाब। धन्यवाद आपके सवाल का, आपके दर्शकों को और अपने को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, उसके बहुत पहले वो अपने सार्वजनिक जीवन में किसी भी पद की मर्यादा को त्याग कर आगे बढ़े। उनके अंदर अपने पद की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं है। और 4.25 मिनट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले, आशा है मैं भी बेधड़क होकर बिना रोक टोक के 4.25 मिनट तक जरूर बोलूंगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने पद की गरिमा से बिल्कुल परे एक्शन करते हैं। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ इतना बताएं कि चाइना से $100 बिलियन का इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट कर आप किसको पाठ पढ़ाते हैं। कुछ कंपनियों को बैन कर ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया, 20 जाबाजों की शहादत का बदला नहीं दिया, सरेआम बोल दिया कोई घुसा हुआ नहीं है। चाइना उसी बात को इस्तेमाल करता है कोर कमांडर लेवल की 19 राउंड के अभी तक नेगोशिएशंस में, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति बन नहीं पाई। झूठों के सरदार प्रधानमंत्री मोदी कब इस बारे में चर्चा करेंगे, मैं ये पूछना चाहती हूं। यहां पर दम भरा जा रहा है मोबाइल फोन बनने का, दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री मेरे नेता के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको भी उसी बात में बोलना पड़ेगा। झूठों के सरदार बने घूमते हैं। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनते हैं, हिंदुस्तान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है मोबाइल फोन के पार्ट्स का, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। 14,00,000 पार्ट औसतन इंपोर्ट होते हैं चाइना से, 14,00,000 पार्ट। विश्व में नंबर वन पे इंडिया है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एज फार एज मोबाइल फोन पार्ट्स आर कंसर्न, वैल्यू एडिशन निलबटा सन्नाटा। अब मैं बात करती हूं, आपने कहा चुनावी दावों की और रेवड़ी की। देखिए अंजना जी, ये रेवड़ी शब्द ना, मुझे थोड़ी सी इस पर आपत्ति है, क्योंकि अगर गरीब के लिए काम करना रेवड़ी है तो ये रेवड़ी और बटनी चाहिए। और असलियत तो ये है कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो और मध्य प्रदेश का मैनिफेस्टो नरेंद्र मोदी की गारंटी के नाम से आया। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में 500 के सिलेंडर की गारंटी दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में गारंटी दे रहे हैं 450 के सिलेंडर की। अरे प्रभु, ऐसी ही गारंटी अपने 10 और राज्यों में दे दीजिए, कर दिखा दीजिए, सारे देश में बंटवाइए 500 में सिलेंडर। यहां बोल रहे 3100 में धान खरीदेंगे, 10 राज्यों में से एक में नहीं खरीदेंगे। चुनौती देती है, उत्तर प्रदेश है, बुआई का सीजन है गेहूं का, खरीदवा दीजिए, बोलिए धान खरीदेंगे 3100 में और गेहूं खरीदेंगे 2700 में, नहीं कर पाएंगे। ये झूठ इनका, 10 राज्यों में सरकारें हैं, एक जगह वो काम नहीं करेंगे जो आकर यहां प्रॉमिस कर रहे हैं। अब मैं एक बात और ये पते की बात करना चाहती हूं। असलियत तो ये है कि मोदी जी का बोल, उनकी भाषा, उनका जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, वो बौखलाहट नजर आ रही है और आएगी नजर ना अंजना जी। मिजोरम में उनके घटक दल ने बोल दिया यहां आने की जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, मैं आपके साथ मंच साझा नहीं करूंगा। उनके घटक दल ने उनको मिजोरम जाने की अनुमति नहीं दी। इस देश का प्रधानमंत्री एक राज्य में जा नहीं पाया।
असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में, और मैं 10 सेकंड लेके अपनी बात खत्म कर देती हूं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के के ऊपर करोड़ों रुपए की घूस का आरोप है। आज एक व्यक्ति ने सामने आकर वीडियो बोला है कि मैंने वो घूसे दिलवाई, मैं यहां यहां रहता हूं, ये मेरा फोन नंबर है, एजेंसी को साक्ष्य चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। वहां ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्यों नहीं जा रही है? ये दोगलापन क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? क्यों नहीं नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को गिरफ्तार किया जा रहा है? ड्रग कार्टल का एंगल आ रहा है, सिर्फ इधर उधर बयानबाजी करते हुए झूठों के सरदार जुमलेबाज नजर आते हैं। असली उत्तर दे दूं अब मैं अंजना जी, समय दे दिया आपने काफी। ठीक है ठीक है, मैं गौरव जी से जवाब लूंगी, लेकिन मोबाइल के पीछे तो मेड इन इंडिया ही लिखाएगा ना सुप्रिया जी, मेड इन मध्य प्रदेश तो नहीं लिखाएगा वो, उसका कोई उत्तर नहीं है। नहीं नहीं एक मिनट, आपको आपत्ति यह है कि मेड इन मध्य प्रदेश, बड़ा क्या है, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना? आज $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि हम चाइना पर, इंपोर्ट्स पर पूरी तरह से निर्भर है। एक दिन करिए उस पर डिबेट, गौरव हर चीज पर तो मेड इन चाइना लिखा है, क्या बात आप लोग कर गौरव जी, देखिए जिस विषय पर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे, ठीक है, जिस विषय पर राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे वो ये था कि भारत में भी ज्यादा से ज्यादा भी आया तो ट्रेड डेफिसिट है, ये सरकार खुद मानती है, और इसीलिए आप लोगों ने एक कमिटी भी बनाई है कि कोशिशें हो कि कैसे ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, आप कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका इशारा, राहुल गांधी का जो प्रहार था वो ट्रेड डेफिसिट पर था कि अभी भी वहां से आयात होता है, लोगों के हाथ में मोबाइल वो है जो मेड इन चाइना है, उसको भारत का बना हुआ बनाना है, इस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, जो बात मैं कह रहा था वो सिद्ध हो गई आपके इस कार्यक्रम में, हम लोग अपने नेता से सीखते हैं, और जो नेता कह देता है वो तथ्यात्मक तौर पे पार्टी की लाइन भी होती है और तथ्यात्मक तौर पे गलत नहीं होता। राहुल गांधी इतने बड़े मूर्ख हैं कि उनकी प्रवक्ता जो है उनकी बात को सुधार रही है यहीं बैठ के, और मैंने तो सवाल किया अगर मेड इन चाइना है तो मेड इन भारत, मेड इन इंडिया से तुलना करेंगे, इस पे कोई जवाब नहीं मिला। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो गया कि उनको सिखा के भेजा जाता है तब भी वो गलती से मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद प्रवक्ता आके केवल सुधार करते हैं। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला मर्यादा को त्याग दिया। अच्छा, जब राहुल गांधी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है बुलाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं क्योंकि उनका झूठ पकड़ा जाता है और वो जजमेंट भी है, तो मर्यादा जो है किसने तार तार करी? और जहां तक पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, अरे आप तो मत ही बोला करिए, अच्छा लगेगा। मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के ही चुने हुए प्रधानमंत्री थे ना, ऑर्डिनेंस लाए, कैबिनेट ने अप्रूव किया और राहुल गांधी ने बचकानी हरकत करते हुए उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, कहा नॉनसेंस। अब आप मुझे बताइए, पद की गरिमा जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उनकी नहीं रख पाए, वो दूसरे को क्या इज्जत देंगे? लेकिन खैर, जो बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई वादा किया है तो पूरा देश जानता है कि वो पूरा होगा। अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटा के दिखा दिया। अब इनके परेशानी हो गई, उसके बाद इन्होंने कहा भव्य राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे, तारीख भी बता दी है, आपको भी बुला लेंगे। तीसरी बात, मैं इनके ऊपर जो प्रश्न पूछे थे किसी का उत्तर आपको मिला? कर्नाटका में बिजली आपने कहा, और देखिए अंजना जी फिर से दोहरा रहा हूं, ये इनका मैनिफेस्टो है, इन्होंने कहा था 200 यूनिट तक सभी घरों की बिजली माफ कर देंगे, क्या गारंटी है? अरे भ्रष्टाचारी पापी अगर आएंगे तो केवल चुरा के लेके जाएंगे, इन्होंने तो 3 रुपया बढ़ा दिया, हिमाचल में इन्होंने 6 रुपए वैट लगाया, मैंने सवाल पूछा उत्तर नहीं दिया। विरोधाभास इनके मैनिफेस्टो का उजागर करता हूं एक एक करके। कहते हैं कास्ट सेंसस कराएंगे, और ये बोले कि घटक दल जो है वो बुराई कर रहे हैं, अपने लोग बुराई कर रहे हैं। पहले ये बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे ज्यादा धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आपके साथ ही है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस की गारंटी पे यकीन मत करना, आप छोड़िए भाजपा क्या कहती है, आपके घटक दल है ना घमंडिया के, वो भी आपके लिए ये कह रहे हैं। और इसके बाद आप कहते हैं कास्ट सेंसस, तो अखिलेश यादव जी ने भी ये बात उठाई है। आप बताइए, अब सत्ता में 55 साल रहे, कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया? मंडल कमीशन का
किसने विरोध किया था? आप जानती है राजीव गांधी ने किया था, क्यों किया था बताइए। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, ये लोग बात करते हैं रोजगार की अपने मैनिफेस्टो में। आपको मालूम है अशोक गहलोत जी को ये बताना चाहिए 28% बेरोजगारी दर राजस्थान में क्यों है, पेट्रोल सबसे महंगा श्री गंगानगर राजस्थान में क्यों है, महिलाओं के साथ बलात्कार की जितनी वारदातें हुई है सबसे ज्यादा 6,310 राजस्थान में क्यों है, कहते हैं 3,00,000 नौकरियां दूंगा सरकारी, इसी के जवाब ले लेती हूं। अब जनवरी की बात है, ठीक है सुप्रिया जी, मैं चाहता हूं कितनी नौकरियां, इन सवालों का भी जवाब दीजिए करके ये बता दें, सवालों का भी जवाब दीजिए। और साथ ही एक बात और कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, इसी से जुड़ी है, इसलिए कह रहा हूं। चुनाव में कहां पर आपको लगता है धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स या फिर वोट मांगने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले तो अगर सवालों की बात करनी है ना, चार सवाल पूछ लूंगी बोल नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे शो छोड़कर। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है 2014 में, क्या सवाल पूछो, पिछले 10 सालों में इंडिया का एवरेज राहुल गांधी थे, हम नहीं भागने वाले, आपको जरूर भगा देंगे, मत बोलिए मैंने आपकी बात सुनी थी। अंजना जी मैं इस तरह से कोई डिबेट नहीं करूंगी, दो लोग नहीं तो आप बीच में नहीं, गौरव जी प्लीज बीच में नहीं, फिर मैं गौरव जी भ्रष्टाचारी पार्टी की भ्रष्टाचारी, ठीक है मैं गौरव जी आपसे जवाब लूंगी, मैं आपको फौरन दूंगी रिबटने का मौका, उनको पूरा कर लेने दीजिए, यहाँ उनकी बकवास सुनने नहीं आए हैं। नहीं क्या भाग जाएंगे, क्या होता है, मैं बोलूं, मैं कहता हूँ फूकूंगा तो उड़ जाएंगी ये, राहुल गांधी भाग जाएंगे। अब बोलिए अगर अच्छा, हो गया ये है, भाग जाएंगे, हो गया प्लीज, तो अब आप लोग वापस आइए टॉपिक पे वापस आइए। ठीक है। मर्यादित भाषा में बहस हो तभी बहस चल भी पाएगी और लोग देख पाएंगे, वरना लोगों को चाल ही बदलना पड़ेगा अगर ऐसी भाषा, ठीक है रुक जाइए। सुप्रिया जी जिन राज्यों में आपने गारंटी दी थी क्या मुझे जवाब पूरी लिस्ट, और दूसरा धर्म की राजनीति कैसे, फर्जी लिस्ट गिराई तो मैं फर्जी थोड़ी सुनूंगी, मैं तो पूछ रही हूं ना, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रेट 2014 से 2023 के बीच में 5.9% एवरेज है, मैन्युफैक्चरिंग की जॉब्स 2016 से 2023 के बीच में आधी हो गई हैं। ये बब्बर शेर लाए थे मेक इन इंडिया का, इनके एक से एक जुमले थे, एक स्किल इंडिया का जुमला आया था, 9% लोग भी उसमें से प्लेसमेंट नहीं पा पाए, ये इनकी असलियत है। इनकी असलियत ये है कि $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट करकर यहां पर ज्ञान बांटेंगे कि क्या क्या हमने किया है। अरे आप किस मुंह से बात करते हैं प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की, क्योंकि असलियत यह है कि इस देश को बेरोजगार बनाने में, महंगाई कमर तोड़ करने में, यहां के लोगों की जो आर्थिक अव्यवस्था है उसको खराब करने में आपने सुचारू कंट्रीब्यूशन किया है। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, उस पर शब्द नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बताएं। मैं पूछती हूं सवाल, मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है बताइए प्रेजेंट, और कहा था 2014 में, और कितनी आपने मैन्युफैक्चरिंग की जॉब बनाई और कितने जॉब लॉसेस हुए, एक शब्द का जवाब नहीं है इनके पास। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट करने वाले क्या बहस कर रहे हैं, चीन पर आपने हमारी आत्मनिर्भरता $36 बिलियन से बढ़ा के $120 बिलियन कर दी है, ये बहस करने आते हैं चीन पर, कोई घुसा हुआ नहीं है, ये बहस करते हैं चीन पर, 18 बार गलबैया ये करेंगे, 20 जाबाज हमारे शहादत होंगे, ये बहस करना चाहते हैं चीन पर, अरे चुप रहिए चीन पर। लेकिन अंजना जी मैं फिर से एक मूल मुद्दे पर जाऊंगी, और वो मुद्दा जरूरी है क्योंकि मेरे लिए सार्वजनिक जीवन में सफाई बहुत होनी चाहिए। आपने ईडी भेजी राजस्थान, आपने ईडी भेजी छत्तीसगढ़, क्योंकि चुनाव में वहां पर बाधा करनी थी, आप हारते हैं बौखलाते हैं, आपको जहां हार नजर आती है आप अपना सबसे प्रबल घटक दल ईडी और सीबीआई भेजते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए घोटाले के, बेनामी मनी के, 100 एकड़ जमीन कनाडा में बेनामी संपत्ति, गांजा और भांग उनके घर पे भेजा जाता था, उनकी बहू का नाम आया है, उस पर चर्चा कब होगी, कब जाएगी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पूछताछ करने, अगर झूठ भी है तो उस झूठ का पर्दाफाश कीजिए ना, वो पर्दाफाश हमारा बैठ के आज तक पे थोड़ी करेंगे, वहां पर भेजिए गौरव जी, दो स्पेसिफिक सवाल है उनके तो पंगु जिस पर जवाब आपको देना चाहिए, मुंह में दही जम जाएगी, ठीक है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट पे इतना जबरदस्त इजाफा, और दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का वीडियो वायरल होता है, उनके घर ईडी आपकी एजेंसी क्यों नहीं पहुंचती, सीबीआई हो, चलिए मैं एक एक करके उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले तो देखिए बेरोजगारी की बात करी मैडम ने, मैंने पूछा
इन्होंने उत्तर ही नहीं दिया कि 28% के आसपास बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा राजस्थान में बेरोजगारी दर क्यों है। और आपको मालूम है 14 लाख बेरोजगार लोगों ने रजिस्टर किया है राजस्थान में, और इसमें करीब 12.5 लाख वो हैं जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिग्री है। और मैं मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी आपको दे देता हूं। सबसे पहले केंद्र सरकार ने एक साल में, जो आखिरी ईपीएफओ डेटा आया था, 1,30,00,000 नई नौकरी का सृजन हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, अंजना जी मेरे सामने है, यह है 3.7%। अब 3.7% बेटर है या 28% बेटर है? दूसरी बात इन्होंने जो करी, इन्होंने ईडी की करी। अरे महादेव, मतलब हमारे इष्ट, हमारे भगवान के नाम को भी इन्होंने बेचा है। और आपको मैं बताऊं, इतना बड़ा पाप इन्होंने किया है, किस तरह से 508 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई वसूल ली। अरे सेवा करनी थी जनता की, सेवा कर रहे थे गांधी परिवार की, मेवा खा रहे थे। आप मुझे बताइए अंजना जी, ईडी का ये तर्क, 14 पार्टियां जब गई थी सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे ही बेतुके तर्क दे रही थी, क्या हुआ वहां पे? और पीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ में मैं खुद था, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, सारे के सारे लोग जो सिलेक्ट हुए वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो चेयरमैन थे उनके रिश्तेदार थे। भूपेश बघेल ने क्या किया, राजस्थान आइए, 14 बार पर्चा लीक हुआ, 14 बार। और किसने कहा ये, सचिन पायलट ने कहा, अशोक गहलोत तो जादूगर हैं, तिजोरी से पर्चा गायब हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये सवाल नहीं उठता है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी जाती है वहां भ्रष्टाचार क्यों दिखाई देता है? गौरव जी, गौरव जी, नरेंद्र तोमर पर आपने जवाब दे दिया क्या? शायद मैं सुन नहीं पाई। जो भारत, नरेंद्र तोमर पे आपने जवाब दे दिया क्या? मैं सुन नहीं पाई। मैं दे देता हूं। दो बातें का उत्तर देना जरूरी है। नरेंद्र तोमर जी के बेटे की एक फर्जी वीडियो क्लिप चलाई गई, आपको मालूम है, कंप्लेंट करी गई पुलिस में, और पुलिस में कंप्लेंट वही करता है जो सच्चा होता है, जिसकी आस्था कानून में होती है। और अगर इनको कोई परेशानी है और लगता है कि न्याय नहीं हो रहा, मैं तो चुनौती दे रहा हूं, ईडी सीबीआई की कोई कार्रवाई अगर रद्द हुई है, जो हमारे समय में हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाएं, और अभी हाईकोर्ट जाएं और कहें कि तोमर जी के बेटे पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सब दिखावा और छलावा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के मुंह में दही जमती है, वो महादेव ऐप के घोटाले पे एक शब्द नहीं बोल पाए, हमास, गाजा, सब पे बोलेंगे, लेकिन ये फर्जी वीडियो है, ये किसकी जांच में पता चला? उस पे एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। गौरव जी, वीडियो फर्जी है, ये किसकी जांच में पता चला? आप कह रहे फर्जी वीडियो है, किसने जांच की? ये मैं बताता हूं, प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंट दी गई है तोमर जी के बेटे की तरफ से, उस कंप्लेंट में यही लिखा है, ये मेरा वीडियो नहीं है, ये फर्जी है। और कानूनी प्रक्रिया मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कोई अपराध हुआ है, किसी ने फर्जी सीडी इस तरह से घुमाई है चुनावी मौसम में, तो आप पुलिस के पास ही जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को उससे दिक्कत है तो वो न्यायालय जाएंगी, क्यों नहीं गई? एक बार पूछ के तो देखिए, कमलनाथ इधर उधर भाषण दे रहे हैं, न्यायालय जाके क्यों नहीं कहते कि तुरंत इस तरह से कार्रवाई की जाए? यहाँ पे आके टीवी डिबेट से तय होगा कि किसकी सीडी है, किसकी नहीं है, ये सवाल आप नहीं पूछेंगी। मेरे जो सवाल है उनमें से एक दो चुनके पूछ लीजिए। राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा क्यों है? पेट्रोल महंगा क्यों है? बेरोजगारी दर 28% क्यों है? छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप पे राहुल गांधी चुप क्यों है? ये सब सवाल मैंने भी उठाए हैं, पूछ लीजिए एक दो सवाल उनसे। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। और ये 3 साल के आंकड़े हैं जो आपने भी देखे ही होंगे, चाहे वो 20, 21, 22, लगातार रेप केसेस में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं बोल रही हूं मैं, रेप केसेस में सबसे अव्वल, सबसे ऊपर यही राजस्थान है जहां से मैं आज खड़ी हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? इसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी जवाबदेही होगी? सुप्रिया जी, जी हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन इंसान अपनी बातों में कैसे फंस जाता है, पहले उसका पर्दाफाश करके। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे ने एफआईआर करी तो वो सच्चे साबित हो गए, इनके अनुसार वो फर्जी वीडियो है।
फोरेंसिक यूनिट भी खोल दी है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि मेरी जानकारी तो जहां तक है, एजेंसी आती है, सबूत को देखती है, फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है और फिर पता चलता है कि सत्यापन होने पर वो फर्जी है या असली है। इन्होंने टीवी डिबेट पर एक लैब खोल दी और बता दिया फर्जी है, पहला झूठ यहां पकड़ा गया। दूसरा, उन्होंने एफआईआर करी तो वो सच्चे होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो झुंझुना महादेव ऐप का आप चला रहे हैं, मार्च 2023 में सबसे पहली एफआईआर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने करी थी। उस एफआईआर पर ईडी का केस बना, 70 जगह रेड करी गई, करीब 750 लोगों से ज्यादा की गिरफ्तारी हुई, 191 मोबाइल लैपटॉप, 860 मोबाइल फोन जब्त किए गए और लगातार कहा गया ऐप को बैन करो। ऐप पर 28% जीएसटी चार्ज कर रहे थे। मार्च की एफआईआर बैन होती है ऐप जाकर नवंबर में, तो बोलिएगा मत। और अगर एफआईआर ही सत्य का है तो हम तो सत्य बोल ही रहे थे। यहां पर कह रहे हैं कि लड़के ने एफआईआर करी, अरे अब वो लड़का दूसरा आदमी भी सामने आ गया है, कोई जगमनदीप है कनाडा में रहता है, कह रहा है मैं हूं उस वीडियो में, मैंने 10,000 500 करोड़ और कुछ नहीं है, ये 10,000 करोड़ का मामला है, मैंने 100 एकड़ जमीन खरीदवाई है कनाडा में, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा पता है, एजेंसीज मुझसे बात करें। एजेंसी क्यों नहीं बात कर रही है? फर्जी है, इन्होंने घोषित कर दिया फर्जी है, लेकिन इनकी ईडी इनकी सीबीआई जाएगी छत्तीसगढ़। इन्होंने एक आदमी से झूठ बुलवाया था छत्तीसगढ़ में, उसने कोर्ट में जाके कहा बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती अंडर ड्यूरेंस भरवाया गया था, मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है, असीम दास उस आदमी का नाम है, उसके फर्जीवाड़े का भी अंत हो चुका है। तो असलियत यह है कि बौखलाहट से आप कुछ भी करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपकी बात का जवाब देती हूं अंजना जी, और यह इंपॉर्टेंट बात है महिला सुरक्षा की, लेकिन महिलाओं की ही बात हो रही है तो एक और चर्चा हो जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के 10 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, इस देश के 10 राज्यों में वो एक राज्य में 500 में सिलेंडर नहीं भेज रहे, लेकिन हम राजस्थान में 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। मोदी जी अपने छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में और अपने मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में कहते हैं कि मैं सिलेंडर 500 में दूंगा, काहे भैया सारे देश में क्यों नहीं दे देते हैं? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, असलियत यह है ना सरकारें बननी है यहां पर, ना 500 में सिलेंडर देंगे। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि यहां देने को तैयार है तो बाकी देश में क्यों नहीं? यहां पर 3100 एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, अरे एमएसपी की मांग करते हुए 750 किसान शहीद हो गए थे, एमएसपी कमेटी बनाई गई, कहां है वो कमेटी, क्यों नहीं डिसीजन ले रही है? 10 राज्यों में से एक में एमएसपी इतनी करके दिखा दीजिए, नहीं करा पाएंगे, हार रहे हैं, हार के डर से गारंटी की बात कर रहे हैं। और अब मैं बात करती हूं जो आपने सवाल पूछा उस पर, क्योंकि ये बात करनी जरूरी है। आप बात करिएगा, अरे मध्य प्रदेश में 40 लाख स्कूल बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला करने वाले, उनके पोषण आहार का घोटाला करने वाले, पटवारी का घोटाला करने वाले, भर्ती का घोटाला करने वाले, ये बात करेंगे हमसे घोटालों पर? महिला सुरक्षा पर तो मुंह मत खोलिएगा। उज्जैन में एक अबोध बच्ची 8 किलोमीटर पैदल चलती रही, उसको बोला गया सरकारी मदद मिलेगी, सरकारी मदद मिली 1500 रुपए की, ये इनका महिला सम्मान है। राजस्थान पर मैं डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देती हूं, राजस्थान में कंपलसरी एफआईआर है, और आपने जो मुझे 3 सालों का आंकड़ा बताया, उस आंकड़े के लिए मैं आपको यह भी बता देती हूं कि राजस्थान में प्रोसिक्यूशन का टाइम नेशनल एवरेज का आधा है, राजस्थान में कन्विक्शन रेट नेशनल एवरेज का तिगुना है, कन्विक्शन भी जल्दी होता है और कन्विक्शन होता है और आधे वक्त में होता है नेशनल एवरेज से। तो असलियत लेकिन फिर भी लगातार 3 साल रेप केसेस में सबसे ऊपर राजस्थान रहा है, नंबर 2। एक सेकेंड, इसी राजस्थान में एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, इसी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की ही एमएलए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाती है तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि आप चुप रहिए, आप तो बीजेपी की तरफ से ये सवाल कर रही हैं। देखिए मामला गंभीर है, और अगर बलात्कार के केसेस ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं तो इसकी भी ये किसी एजेंसी की साजिश नहीं हो सकती है, ये जवाबदेही तो सीएम के ही दरवाजे पर जाकर टिकेगी। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इंदौर में ये रैली कर रहे हैं। आपको बता दें चुनाव प्रचार में 2 दिन का वक्त अब सिर्फ कल का, मतलब आज के बाद अब कल का वक्त है, क्योंकि 17 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है, सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर आप नतीजों को देखें तो 2018 के मध्य प्रदेश के चुनावों के नतीजों में सीधे तौर पर
कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, उन्होंने सरकार बना ली थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी में बगावत की, वो इस वक्त बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं दिखाया जा रहा है। तीनों राज्यों में अगर आप देखिए, न रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, न राजस्थान में वसुंधरा राजे या किसी और को, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि चेहरों के आधार पर जो क्षेत्रीय चेहरे हैं उनके राज्यों में उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनको भारी पड़ रही है। पीएम मोदी एक बार फिर से, और अगर आपको अंदाज ये दिख रहा हो तो गुजरात में भी चुनाव थे, याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने इसी अंदाज में, जैसे आज वो इंदौर में रैली कर रहे हैं, अहमदाबाद में उन्होंने रैली की थी। देखिए, इंदौर को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि अगर आप देखें तो हिंदुत्व का गढ़ है, बहुत बड़ी लैबोरेटरी के तौर पर देखा जा सकता है, महाकाल बहुत करीब है, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी भी हमारे साथ चित्रा वहां से जुड़ गई है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और भारी हुजूम दिख रहा है चित्रा, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में भी रोड शो आखिरी वक्त पर किया था वोटिंग के पहले, कुछ उसी अंदाज में इंदौर में ये महा रोड शो पीएम मोदी। और यहां पर जबरदस्त भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा गणपति मंदिर से सबसे पहले पूजा आराधना की, शुभारंभ किया, गणेश जी को नमन किया, और उसके बाद उनका ये जो पूरे 55 मिनट का कार्यक्रम है यहाँ पर रोड शो का, वो अपने आप में अभूतपूर्व और अद्भुत है। नरेंद्र मोदी जहाँ से गुजर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, पंखुड़ियां उनके ऊपर गुलाबों की बरसाई जा रही है, और नरेंद्र मोदी यहाँ पर किसी को भी निराश नहीं करते हुए दोनों तरफ हाथ हिलाकर संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारों से पूरा का पूरा इंदौर इस वक्त पटा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और यकीनन ये जो इंटरेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है आम पब्लिक के साथ, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सड़कों से होते हुए सीधे अहिल्याबाई होलकर का जो रजवाड़ा है वहां पर हम पहुंचेंगे, जहां पर उतरकर वो माता अहिल्याबाई को नमन करेंगे। अहिल्याबाई के साथ भी किस तरह का नाता है, देखिए इंदौर में उन्होंने जब होलकर समुदाय के जो मुखिया थे उनके पति, उनका जब निधन हो जाता है तो उन्होंने इस जगह की कमान अपने हाथों में ली थी। लौटूंगी आपके पास, वापस बहस का रुख करते हैं, तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो वहां पर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी वोटिंग का दिन करीब आ गया है गौरव भाटिया जी, और देखिए मध्य प्रदेश में भी आप लोग हमलावर हैं, आपकी सरकार वहां पर चल रही है, राहुल गांधी वहां पर व्यापम घोटाले से लेकर जो पटवारी घोटाला है या फिर महाकाल का घोटाला है वो सब पर घेर रहे हैं आपकी पार्टी को। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम जरूर अहमदाबाद की तर्ज पर यहां पर बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं, लेकिन घोटालों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे ही राहुल गांधी आपके घोटाले गिना रहे हैं यहां पर एमपी में। देखिए, राहुल गांधी अगर घोटाले पे और भ्रष्टाचार पे बोलते हैं अंजना जी, तो ये वही बात हो गई जैसे कोई डकैत या हत्यारा अहिंसा की शिक्षा देने लगे। अरे पूरा विश्व जानता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों एक परिवार के सदस्य हैं, भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यापम का घोटाले की आपने बात करी, 99 लोगों का कन्विक्शन हुआ है, कब हुआ है? अरे 20 साल में 19 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही आशीर्वाद दिया है जनता ने ना। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो भाजपा की सरकार में कहा गया कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अपराधी हैं उनको सजा हो, और सजा हो गई। लेकिन जब मैंने महादेव ऐप पे एक सवाल पूछा, क्यों खड़गे जी, राहुल वक्त हमें इतनी की इजाजत देता है, दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में इतना ही, लेकिन रात 8 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज जोधपुर से आप देखेंगे राज तिलक, राजस्थान की शुरुआत होगी। इसी जोधपुर सीट पे सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत भी उम्मीदवार है, तो मोदी के मंत्री शेखावत भी इसी जोधपुर सीट से सांसद है।